कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले में इमारत को खासा नुकसान पहुंचा है। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस में ही मौजूद हैं, तो उनसे ही मजीद जानते हैं। जी अहमद जी, बिल्कुल, इस वक्त हम कराची पुलिस ऑफिस के दफ्तर के अंदर मौजूद है, जहां पर अब से थोड़ी देर कबल ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कराया गया है। मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं कासिम, तो ये वो मरकजी दरवाज़ा है जहां से दहशतगर्द जो है वो दाखिल हुए हैं, और उन्होंने यहां पर भी जो है वो दस्ती बम से जो है वो हमला किया है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये मरकजी दरवाजे हैं, इनके शीशे आप देख सकते हैं कासिम, अगर आप दिखाएं तो वो वहाँ पर भी जो है वो गोलियों के निशानात जो है वो वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। कैसी जो है वो बुलेट्स लगी हैं यहाँ, यहाँ जो है वो दहशतगर्द फायरिंग करते हुए जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर गए और उसके बाद ये ऊपरी मंजिल जो है वो यहाँ से आती हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो जगह है, ये जी इस वक्त जो है वो हम लॉबी में आते हैं। ये लॉबी है, यहीं पर जो है वो लिफ्ट भी हैं और सीढ़ियां भी हैं, ऊपर जाने का रास्ता भी है। इस लॉबी में भी जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, फायरिंग की गई। ये आप जगह देख सकते हैं, मगाम देख सकते हैं, ये जगह है, ये आप देख सकते हैं, इस जगह पे बुलेट्स के निशानात हैं, ये देख सकते हैं आप, सुराख हैं बाकायदा, ये आप देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितना ज़्यादा गोलियाँ बरसाते हुए दहशतगर्द जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं। इस मकाम पर देखें आप, इन्होंने जो है वो पहले ग्राउंड फ्लोर को जो है वो काबू करने की कोशिश की है, और उसके बाद जो है वो यहाँ से ऊपर की मंजिल की जो है वो जानिब गए। आपको ऊपर की मंजिल भी जो है वो दिखाते हैं, ये वॉशरूम्स हैं, फिर यहाँ से जो है वो फर्स्ट फ्लोर की जानिब जो है वो जाते हैं। आप ये देखें फर्स्ट फ्लोर, फिर हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दों ने क्या नुकसान पहुँचाया। ये आप देखें, यहाँ पर दहशतगर्द जो है वो दाखिल हुए, और उसके बाद ये मकाम है, ये वो फर्स्ट फ्लोर की लॉबी है, यहाँ पर दहशतगर्द आए हैं। यहाँ पर भी आप खून भी है काफ़ी जगहों पर, लेकिन वो हम आपको मनाजर नहीं दिखा सकते। यहाँ पर भी फायरिंग का तबादला हुआ है, पुलिस की जानिब से जो यहाँ पर मौजूद नफरी थी उनकी जानिब से बड़ी बहादुरी से जो है वो जवाब दिया गया। अभी भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि बुलेट्स के निशानात हैं जो कि वाज़े हैं, आप ये देख सकते हैं। ऊपर की मंजिलों की जानिब जो है मैं आपको लेके जाता हूँ और दिखाते हैं कि कितना नुकसान जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से यहाँ पे पहुँचाया गया। ये देखें जी, छत पर मुसलसल, ये दीवारों पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो निशानात हैं और वाजे हैं। दूसरी जगहों पर भी जो है वो आपको लेके चलते हैं। पुलिस की नफरी अभी भी यहाँ पर, क्योंकि इस जगह को पूरा क्लियर कर लिया गया है, तो अभी भी पुलिस की नफरी जो है वो आप देख सकते हैं कि एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी पुलिस के नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, कमांड का जो है वो इस वक्त संभाल ली गई है। ये वो मकाम है, आप देख सकते हैं, सर जैसे दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो कैसे शीशा टूटा है, दस्ती बम हमले जो है वो यहाँ पर दस्ती बम फेंके गए, सामने बुलेट जो है वो मारी गई। तो ये पूरा कराची पुलिस ऑफिस है, इसी तरह जो है वो आप ऊपर की मंजिलों की जानिब जाते रहेंगे तो मुकाबला होता रहा दहशतगर्दों से, फायरिंग का तबादला होता रहा, बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त हम केपीओ बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, ये वो मकाम है तीसरी मंजिल का जहां पर बहुत देर दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला जारी रहा है। पुलिस की जानिब से, एसएसयू की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से मुकाबला किया गया और दहशतगर्दों को जो है वो मार गिराया गया। आप ये देख सकते हैं कि कितना नुकसान जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से पहुँचाया गया। ये थर्ड फ्लोर के ऑफिसेज हैं, यहाँ पर गोलियाँ देख सकते हैं आप कैसी चलाई गई, दस्ती बम हमले किए गए, तमाम शीशे जो है वो टूटे हुए हैं। और अगर आप ये जगह देखें, मैं कैमरामैन कासिम को बोलूँगा कि वो ऊपर आएँ, ये जगहें देखें थी, वो जो एक खुद कुछ धमाका हुआ था वो यहाँ का था, और ये दरारें तक पड़ गई हैं केपीओ की दीवारों में, आप देख सकते हैं किस हद तक जो है वो नुकसान पहुँचा है।